वजीर आजम के सिर्फ एक पैर में चप्पल थी, दूसरे में नहीं, वो भी बेनजीर भुट्टो जैसी वजीर आजम। ये मंजर है 20 सितंबर 1996 की उस रात का, जब पाकिस्तान की उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो अपने भाई मीर मुर्तजा भुट्टो की मौत पर शिद्दत गम से निढाल होकर कराची के इलाके क्लिफ्टन के मेडिस्ट अस्पताल पहुंची थी। 42 साला मुर्तजा बेनजीर की अस्पताल आमद से चंद घंटे कबल ही अपने मुहाफिजीन और पुलिस एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 गोलियां लगने के बाद शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लाए गए थे और तिब्बी इमदाद फराहम किए जाने के दौरान दम तोड़ गए थे। लेकिन क्या ये इंतहाई मुतनाज़े और हमेशा पुरइसरार समझी जाने वाली कार्रवाई वाकई पुलिस मुकाबला था या मुर्तजा भुट्टो का कत्ल एक सोची समझी साजिश था? आप सुन रहे हैं बीबीसी उर्दू की पॉडकास्ट और मैं हूं साथ सुहेल। ये और ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात इस वाकये को रिपोर्ट करने वाले सहाफी, दुनिया भर के जराए अब्लाग, कराची पुलिस से लेकर बरतानवी पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड तक के तमाम तफ्तीशी अफसरान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम, अदालतें, तहकीकाती कमीशन और सबसे बढ़कर भुट्टो खानदान 24 बरस से तलाश कर रहे हैं। इस कहानी पर मौकिफ जानने के लिए मुर्तजा भुट्टो के खानदान, खास तौर पर गनवा भुट्टो से राब्ते की बारहा कोशिशें की गई मगर ना तो वो दस्तयाब हो सकी और ना ही फोन पर भेजे गए किसी पैगाम का जवाब दिया गया। मुर्तजा भुट्टो कैसे, किन हालात में और क्यों हलाक हुए, ये जानने के लिए भुट्टो खानदान की निजी और सियासी जिंदगी पर एक नजर डालना जरूरी है वरना शायद ये कहानी समझ में न आए। 18 सितंबर 1954 को पैदा होने वाले मीर गुलाम मुर्तजा भुट्टो पाकिस्तानी सियासतदान जुल्फिकार अली भुट्टो की दूसरी औलाद और बड़े साहबजादे थे। जुल्फिकार अली भुट्टो की पहली शादी 1943 में शीरी अमीर बेगम से और दूसरी शादी 1951 में कुर्द निजाद ईरानी नुसरत भुट्टो से हुई। जुल्फिकार और नुसरत भुट्टो के 4 बच्चे थे जिनमें बेनजीर भुट्टो, मीर मुर्तजा, सनम भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो शामिल थे। मुर्तजा भुट्टो ने कराची ग्रामर स्कूल से इब्तदाई तालीम के बाद पहले अमरीका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और फिर बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल जियाउल हक ने मुर्तजा के वालिद और पाकिस्तान के नवे वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ नाफिज किया और जब 16 सितंबर 1977 को जुल्फिकार भुट्टो को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने मीर मुर्तजा को मुल्क से बाहर भेज दिया। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई जबकि जनरल जिया की फौजी हुकूमत ने नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया और ये दोनों खवातीन तवील अरसे तक असीर और नजर बंद रखी गईं। जब जुल्फिकार भुट्टो को फांसी दी गई तो मुर्तजा और शाहनवाज भुट्टो लंदन के एक फ्लैट में रह रहे थे। इसके अलावा दोनों भाइयों ने अफगानिस्तान और शाम समेत कई दीगर ममालिक में भी वक्त गुजारा। अफगानिस्तान में क्याम के दौरान मुर्तजा और शाहनवाज ने अपने वालिद का तख्ता उल्टे जाने का इंतकाम लेने के लिए मुबैना तौर पर अल जुल्फिकार नामी तंजीम कायम की। इस तंजीम में पीपल्स पार्टी और इसकी जेली तलबा तंजीम PSF के अरकान शामिल थे। उस वक्त के अखबारात के जायजे सियासतदानों, पुलिस और सरकारी इदारों के मौजूदा और साबिक अफसरान की गैर रस्मी गुफ्तगू के मुताबिक अल जुल्फिकार मुर्तजा भुट्टो या उनके साथियों ने कायम की या नहीं, मगर ये तंजीम वजूद जरूर रखती थी और पाकिस्तान के रियासती इदारों के पास इत्तलात और शवाहिद थे कि अल जुल्फिकार के राबते इंडियन और अफगान खुफिया इदारों से भी थे। अल जुल्फिकार ने मजामत के लिए मसल्ला जद्दोजहद का रास्ता अपनाया और 2 मार्च 1981 को PIA की पेशावर जाने वाली परवाज PK-326 को हाईजैक करने की जिम्मेदारी कबूल की। कराची से पेशावर के लिए रवाना होने वाली ये फ्लाइट काबुल ले जाई गई जहां फौजी अफसर मेजर तारिक रहीम को जहाज पर ही कत्ल करके उनकी लाश रनवे पर फेंक दी गई। इन हाईजैकर्स ने जनरल जिया की फौजी हुकूमत को धमकी दी कि जिन 53 अफराद की रिहाई का वो मुतालबा कर रहे थे अगर उन्हें रिहा ना किया गया तो जहाज में सवार तमाम 143 अफराद को हलाक कर दिया जाएगा। 13 दिन तक जारी रहने वाली ये हाईजैकिंग उस वक्त खत्म हुई जब हाईजैकर्स के मुतालबात की मंजूरी के बाद मुसाफरों को रिहा कर दिया गया। मुर्तजा भुट्टो का खानदान, खास तौर पर उनकी साहबजादी फातिमा भुट्टो, हमेशा अल जुल्फिकार की मुसल्ला कार्रवाइयों या उनसे मुर्तजा भुट्टो की वाबस्तगी की तरदीद और दिफा करते रहे हैं और इस इल्जाम को तस्लीम करने पर कभी तैयार दिखाई नहीं दिए।
दूसरी जानब मुर्तजा भुट्टो की बहन बेनजीर भुट्टो वालदा के साथ पार्टी की शरीक सरबराह के तौर पर पार्टी की क्यादत और सियासी जिद्दोजहद करती रहीं और 17 अगस्त 1988 को त्यारे के हादसे में फौजी आमिर जनरल जिया की हलाकत के बाद 16 नवंबर 1988 को होने वाले इंतखाबात के नतीजे में बेनजीर पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बन गई। इस दौरान पीपल्स पार्टी की अंदरूनी कश्मकश भी पूरे जोर शोर से जारी रही। बेनजीर को अपनी जमात के बाज नाराज अरकान का सामना रहा, जिनका मौकिफ था कि उन्होंने इक्तदार को फौकियत देते हुए अपने वालिद जुल्फिकार भुट्टो की सियासी रविश तर्क कर दी है और पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट से समझौता कर लिया है। खुद उनके भाई मुर्तजा भुट्टो का मौकिफ भी यही रहा कि बेनजीर और उनके शौहर आसिफ जरदारी की पॉलिसियों की वजह से पार्टी को नाकाबले तलाफी नुकसान पहुंचा और ये अब जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी नहीं रही। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली अब्दुल कादिर पटेल भी बहन भाई के दरमियान इख्तलाफात को तस्लीम करते हैं। उन्होंने बताया कि इख्तलाफ था मगर आखिरी दिनों में बहुत कम रह गया था और दोनों जानेब बेइंतहा लचक पैदा हो गई थी। बेनजीर भुट्टो पर्ची के जरिए तब्दीली पर यकीन रखती थीं और जमहूरी तरीकों की बात करती थीं। बीबी डील नहीं डायलॉग करती थीं। डील का तासुर कतन नहीं था। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि बाद में मुर्तजा भुट्टो भी ये मान गए थे और खुद भी सियासी निजाम का हिस्सा बने। इलेक्शन लड़ा और पार्लिमानी तर्ज सियासत इख्तियार की। मुर्तजा भुट्टो और उनके साथियों का ख्याल रहा कि आसिफ जरदारी से शादी के बाद बेनजीर भुट्टो जब पहली बार वजीर आजम बनी तो ओहदों और वजारत पर फायज बाज अरकान की मुबैना बदअनवानियों और बेकायदगियों की वजह से पीपल्स पार्टी की साख को नाकाबले तलाफी नुकसान पहुंचा। इस मौकिफ को रद्द करते हुए कादिर पटेल ने कहा, कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, सियासत में तो आप मुखालफत करते ही हैं, उनके खानदान में कोई खलीज नहीं थी। मगर मुर्तजा भी बेनजीर और आसिफ जरदारी पर खुलेआम तनकीद करते और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या जलसे जलूस, वो अपनी बहन की हुकूमत की पॉलिसियों, तर्ज सियासत और मुबैना बदअनवानियों पर कड़ी नुक्ताचीनी करने से नहीं चूकते थे। अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि एक जमाना था जब मुर्तजा भुट्टो इंतहाई मतलूब शख्स भी थे, फिर वही मुर्तजा भुट्टो पाकिस्तान आकर इलेक्शन भी लड़ते हैं तो बहुत सारी चीजें तब्दील होती हैं। पीपल्स पार्टी के बाद सख्त गिर अनासर में ये सोच भी परवान चढ़ी कि दरअसल बेनजीर के बजाय मुर्तजा भुट्टो ही को जुल्फिकार भुट्टो का सियासी जानशीन होना चाहिए। पार्टी की संदरूनी कश्मकश के नतीजे में बेनजीर बिलाखिर अपनी वालदा को ओहदे से हटाते हुए खुद पार्टी की मुकम्मल सरबराह मुंतखब हो जाने में कामयाब हुई। मगर पार्टी में नाराज अरकान की सोच फिर भी बाकी और बरकरार रही और इन अनासर ने मुर्तजा भुट्टो की क्यादत में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के नाम से नई सियासी जमात ये मौकिफ इख्तियार करते हुए कायम की कि दरअसल यही जुल्फिकार भुट्टो की असल जमात है। बिलाखिर खुद नुसरत भुट्टो ने भी अपने बेटे मुर्तजा की हिमायत का ऐलान किया और उस वक्त तक उनकी हिमायत करती रहीं जब तक वो शदीद बीमारी की वजह से अवाम की निगाहों से ओझल नहीं हो गयी। काबुल में जलावतनी के दौरान 1981 में मुर्तजा भुट्टो ने दरी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले अफगान वजारत खारजा के एक अफसर की साहबजादी फौजिया फसीहुद्दीन से शादी की, जिनसे उनकी बड़ी साहबजादी फातमा भुट्टो 29 मई 1982 को पैदा हुई। फातमा भुट्टो 3 बरस की थीं कि मुर्तजा भुट्टो और फौजिया भुट्टो में अलैदगी हो गई और मुर्तजा फातमा भुट्टो के हमरा शाम मुंतकिल हो गए। शाम में मीर मुर्तजा भुट्टो की मुलाकात गनवा भुट्टो से हुई और 1989 में दोनों ने शादी कर ली। गनवा भुट्टो मुर्तजा भुट्टो के फर्जंद जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर की वालदा हैं। मुर्तजा भुट्टो 18 अक्टूबर 1993 के इंतखाबात में PS 31 लाड़काना के अपने अबाई जिले से सूबाई असेंबली की नशिस्त पर रुकने सिंध असेंबली मुंतखब हुए और वतन वापसी पहुंचे तो यहाँ उनकी बहन बेनजीर भुट्टो के हुक्म पर उन्हें दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। रिहा हुए तो उन्होंने बहन के मुकाबले में अपनी सियासी कुव्वत का इजहार करने की गर्ज से आजादाना नकलो हरकत का आगाज किया। इनकलाबी जहनियत और जारहाना अंदाज के हामिल तंदुखो और तेज मजाज मुर्तजा भुट्टो सिंध असेंबली के रुकन बनकर पार्लियामानी सियासत का हिस्सा बन तो गए थे मगर उनके जारहाना रवैये में पाकिस्तान के रियासती और सरकारी इदारों की जानिब नरमी कभी नहीं आई।
अमली सियासत उन्हें जलसागाहों, इजलासों, सियासी मेल मुलाकात और अवामी इज्तमात तक लेकर तो आई थी, मगर जारे मिजाज मुर्तजा भुट्टो में सियासी रहनुमाओं की सी समझौताबाजी या मसालेहाना अंदाज कभी नहीं आ सका। रियासती और सरकारी इदारों की जानिब उनका शदीद रद्द अमल कभी नरम मिजाजी की जानिब मायल नहीं रहा, जिन्हें वो अपने वालिद का कातिल समझते और कहते रहे। एक बार कराची से अपने आबाई शहर लाड़काना में खानदानी कब्रिस्तान गड़ी खुदा बख्श में वालिद की कब्र पर जुलूस की सूरत में जाने के उनके फैसले ने बेनजीर भुट्टो हुकूमत के लिए सियासी खतरे की घंटी बजाई, तो हुकूमत ने फैसला किया कि मुर्तजा भुट्टो को लाड़काना जाने से रोका जाए। एक साबिक पुलिस अफसर ने, जो अब मुल्क में नहीं रहते, ने बताया कि वजीर आजम की हिदायत पर सूबाई वजीर आला सैयद अब्दुल्ला शाह, जो मौजूदा वजीर आला सिंध के वालिद भी थे, ने पुलिस और जिले इंतजामिया को अहकाम दिए कि मुर्तजा भुट्टो का काफिला रोका जाए। एक सीनियर पुलिस अफसर ने याद दहानी करवाई कि एसएसपी रमजान चना पहले पुलिस अफसर थे जिसने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर मुर्तजा भुट्टो ने किसी को खातिर में लाए बगैर अपना सफर जारी रखा। यह सलूक लाड़काना तक उनका काफिला रोकने की कोशिश करने वाले हर अफसर के साथ हुआ। पुलिस अफसरान को सड़क पर अपनी इज्जत बचाना मुश्किल लगने लगता था। पाकिस्तान से बाहर मुकीम एक और अफसर साबिक एसपी लियारी फयाज खान कहते हैं कि थाने जाकर अपने हामियों को छुड़वा लेना तो उनका मामूल बन गया था। एक बार तो खुद मेरे साथ हुआ, मैंने मुर्तजा भुट्टो के साथ ही उस्ताद ताजू को गिरफ्तार किया, फिर इसी खदशे के तहत उसे किसी और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया कि मुर्तजा भुट्टो उसे छुड़वाने की कोशिश ना करें। मुर्तजा भुट्टो खुद अपने साथियों के साथ पहुंचे ताकि ताजू को छुड़वा सकें। मेरे अमले के साथ उन सब ने बेइंतहा बदसलूकी की थी, अगर ताजू वहां होता तो उसे छुड़वा ले जाते। जब ये सब हो रहा था, मुर्तजा भुट्टो के करीबी हलके में ऐसे अनासर भी थे जिनके बारे में पाकिस्तानी इदारों को शुबा था कि वो मुबैना तौर पर बराह रास्त इंडियन या अफगान खुफिया इदारों से राबते में थे या रह चुके थे। उस वक्त कराची 1990 की दिहाई की मुसल्ला शोरिश से संभल ही रहा था और 1992 से शुरू होने वाला फौज पुलिस और रियासती इदारों का ऑपरेशन क्लीनअप अपने इख्तितामी मराहिल में था। डॉक्टर शुएब सरल, मुर्तजा भुट्टो की हलाकत और कराची ऑपरेशन के वक्त कराची पुलिस के सरबराह यानी DIG कराची थे। डॉक्टर सरल ने कहा कि ऐसे माहौल में मुर्तजा भुट्टो और उनके साथी असलहे से लेस अपने मुहाफिजीन के साथ आजादाना नकलो हरकत करते थे और थानों या पुलिस मराकज में ये जोर जबरदस्ती बढ़ती जा रही थी। पुलिस ने बड़ी कुर्बानियों के बाद कराची में किसी हद तक अमन कायम कर दिया था और मुसल्ला गुरोहों की खुलेआम नकलो हरकत इस नाजुक अमन को नुकसान पहुंचा सकती थी। वो बताते हैं कि मैंने कह रखा था कि जो कानून हाथ में ले उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन चूंकि सूरत हाल इससे पहले ही से बिगड़ रही थी, इसलिए फैसला हुआ कि इस किस्म की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इसलिए अब मुर्तजा भुट्टो और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। मैंने उसी रात हुक्म दिया कि जो भी हो गिरफ्तार कर लिया जाए। वो याद करते हैं कि जब हुकूमत के नोटिस में लाया गया तो वजीर आला अब्दुल्ला शाह ने कहा कि पहले वजीर आजम बेनजीर भुट्टो से पूछ लें। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जब आप उसको पकड़ेंगे तो हमारे मुखालफीन कहेंगे कि बेनजीर भुट्टो ने गिरफ्तार करवा दिया। कोई यकीन नहीं करेगा कि पुलिस ने अपने तौर पर फैसला किया था। शुएब सरल ने बेनजीर भुट्टो के अल्फाज दोहराते हुए कहा, इसलिए जरा रुक जाए, मैं 2-4 रोज में कराची आती हूँ तो फिर कुछ करते हैं, तब तक सोच लेते हैं। शुएब सरल बताते हैं कि फिर वजीर आजम से मशवरे के बाद मेरे हुक्म में इतनी तरमीम जरूर हुई कि मीर मुर्तजा के अलावा उनके जो भी साथी हों, जो मिलता है गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके साथ ही मुर्तजा भुट्टो के साथियों की रिहाइश गाहों और ठिकानों पर छापों का सिलसिला शुरू हुआ। मुर्तजा भुट्टो के साथियों में पुलिस को मतलूब सबसे नामवर और नुमाया शख्स थे अली सनारा। रियासती इदारों को इतला और शुबा था कि अली सनारा किसी गैर मुल्की इदारे से राबते में है। उस वक्त तक किमाड़ी ऑयल टर्मिनल पर रॉकेट हमलों, बम धमाकों और दहशतगर्दी से जुड़ी कई वारदातें हो चुकी थी। अली सनारा ऐसे कई वाकयात में नामजद और रियासती इदारों को मतलूब थे। इन हालात में कराची ऑपरेशन से शोहरत हासिल करने वाले इंस्पेक्टर जीशान काजमी ने 16 सितंबर 1996 को अली सनारा को गिरफ्तार कर लिया, मगर अंदेशा था कि मुर्तजा भुट्टो के साथ ही अली सनारा को छुड़वाने की कोशिश करेंगे और खुदशात के मुताबिक मुर्तजा भुट्टो ने कार्रवाई की।
मुर्तजा भुट्टो के कत्ल से कबल कराची में तैनात होने वाले एक अफसर ने बताया कि कराची ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों पुलिस मुकाबले हो चुके थे, जिनमें पुलिस के हाथों मुबैना तौर पर मारवराए अदालत मारे जाने वालों की बड़ी तादाद सियासी कारकुनान की होती थी और इन मुकाबलों को जाली पुलिस मुकाबला कहा जाता था। इन मुकाबलों में इंस्पेक्टर जीशान काजमी जैसे पुलिस अफसरान हर आए दिन शरीक होते थे और अली सिनारा को भी जीशान काजमी ने उठाया था। मुर्तजा भुट्टो को खदशा था कि कहीं अली सिनारा को भी किसी मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में ना मार दिया जाए। अपने आखिरी खिताब में मुर्तजा भुट्टो ने इस खदशे का बरमला इजहार भी किया था। अगले रोज सुबह कराची जिमखाना और सिंध असेंबली की इमारत के करीब दो मुख्तलिफ बम धमाके हुए। FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुई, मगर शुबे की सुई अल जुल्फिकार के गिर्द घूमने लगी। इस शक पर कि दोनों धमाके सिनारा की गिरफ्तारी का रद्देअमल हैं, 70 क्लिफ्टन के अलावा तमाम मकामात पर मुर्तजा भुट्टो के साथियों के ठिकानों पर पुलिस के छापों का सिलसिला जारी रहा। इसी कशीदा सूरत हाल में जुम्मा 20 सितंबर का वो दिन आ गया जब मुर्तजा भुट्टो को जलसे के लिए सुरजानी टाउन जाना था। उस रोज दो फैसले हुए, एक पुलिस ने किया और एक मुर्तजा भुट्टो ने। मुर्तजा भुट्टो का फैसला था कि वो जलसे से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पुलिस ने फैसला किया कि जब मुर्तजा भुट्टो और उनके साथी घर से निकलेंगे तो उन्हें रोक कर उनके साथियों के असलहे के लाइसेंस की पड़ताल की जाएगी। जरूरी हुआ तो कानून को मतलूब अफराद को हिरासत में लिया जाएगा। SSP साउथ वाजिद दुरानी उस वक्त कराची के जनूबी जिले में पुलिस के सरबराह थे। DIG शुएब सडल और SSP वाजिद दुरानी के ताल्लुकात मामूल पर नहीं थे। शुएब सडल कई मौाकों पर सहाफी जाफर रिजवी से रस्मी और गैर रस्मी और रिकॉर्डेड गुफ्तगू में भी इसका इतराफ कर चुके हैं, जबकि कम अज कम एक बार SSP वाजिद दुरानी भी ये तस्लीम कर चुके हैं। जलसे में जाने के लिए मुर्तजा भुट्टो 70 क्लिफ्टन से निकले तो पुलिस की नफरी 70 क्लिफ्टन के सामने शारा ईरान पर पहले से मौजूद थी, जो दो तलवार वाले चौराहे से साहिल समंदर की जानिब जा रही है, जहां अब तजारती मरकज पाक टावर्स की इमारत है। इस टीम में उस वक्त के SHO क्लिफ्टन हक नवाज सयाल, ASP शाहिद हयात और ASP राय मोहम्मद ताहिर शामिल थे। पुलिस ने मुर्तजा भुट्टो के काफिले का रास्ता रोकना चाहा, मगर मुर्तजा भुट्टो के काफिले में शामिल कोई भी गाड़ी रुके बगैर चलती ही चली गई और पुलिस की कोशिश नाकाम हो गई कि मुर्तजा भुट्टो या उनके साथियों के असलाह लाइसेंस की पड़ताल कर ली जाए। कराची पुलिस के उस वक्त के एक ऐसे अफसर ने, जो बाद में IG भी बने, बताया कि SHO क्लिफ्टन हकनवाज सयाल थे तो बड़ी बड़ी मूछों वाले थानेदार, मगर तसादुम झड़प और महाजराई से गुरेज करते थे और गुरेज ही करते रहने के कायल भी थे। शुएब सडल, जिनकी सरकारी रिहायशगाह DIG हाउस सड़क की एन दूसरी जानब यानी 70 क्लिफ्टन के बिल्कुल सामने वाके थी, ने कहा कि मुझे तो इस एक्टिविटी का पता ही नहीं था। मैं तो अपने कुलीग DIG गुलाम मोहम्मद मलकानी के साथ वॉक करके वापस आया तो सब कुछ मामूल के मुताबिक लगा। कराची ऑपरेशन की वजह से मोबाइल फोन बंद थे। घर में आया तो स्टाफ ने बताया कि जनरल बाबर की कॉल आई थी। जनरल बाबर ने कराची के धमाकों पर कौमी असेंबली के लिए तफसीलात तलब की। चूंकि दोनों धमाके डिस्ट्रिक्ट साउथ में हुए थे तो जनरल बाबर को तफसीलात भेजने के लिए मैंने ऑपरेटर से कहा कि SSP साउथ वाजिद दुरानी को फोन पर लो। वो बताते हैं कि दुरानी से बात हुई तो मैंने धमाकों के बारे में बात करके ऐसे ही पूछ लिया कि आप हैं कहाँ। उसने कहा कि सर आपके करीब ही हूँ। मैंने पूछा कि कितना करीब, तो उसने बताया कि ट्रैफिक पुलिस चौकी पर, जो एक फरलांग से भी कम फासले पर है। मैंने कहा इतने करीब हो तो अंदर आ जाते। तो इस पर दुरानी ने बताया कि सर आपको बता नहीं सके, 5 बजे मुर्तजा भुट्टो का काफिला रोकने की कोशिश की गई मगर वो रुके नहीं थे, तो अभी मैं खुद आया हूँ। अब वो जलसा खत्म करके सुरजानी से वापस आएंगे, मैं उन्हें जानता भी हूँ तो मैं इस सूरत हाल को संभाल लूंगा। शुएब सडल ने कहा कि वाजिद दुरानी ने उन्हें बताया कि अब मनसूबा ये है कि जब मुर्तजा भुट्टो का काफिला वापस आएगा तो पुलिस उनकी गाड़ी को तो अंदर जाने देगी मगर पीछे वाली गाड़ियों को रोक लिया जाएगा ताकि असलहा के लाइसेंस की पड़ताल की जा सके। शुएब सडल ने बताया तो मैंने कहा वाजिद ये इस तरह से नहीं होगा, मगर उन्होंने कहा कि सर मैं इसीलिए खुद आया हूँ कि वो मुझे जानते हैं और मैं हैंडल कर लूंगा। उधर मुर्तजा भुट्टो सुरजानी टाउन जाने से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और उन्होंने वाजे तौर पर कहा ये पुलिस अफसर तो इस काबिल नहीं कि मुमलिकत की वर्दी पहने, ये मुजरिम है। उन्होंने कराची में नस्ल कुशी की है, ला तादाद लोगों को मावराए अदालत मार डाला है, अपने दफातर में रहने का उनका वक्त अब खत्म हो रहा है, अब उनका जेल जाने का वक्त आने वाला है। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि आओ और मुझे गिरफ्तार करो,
अगर वो उसके बाद के नतायज भुगत सकते हैं, सियासी नतायज। मुर्तजा भुट्टो सुरजानी टाउन गए और वहां भी खिताब में कहा कि आपका इतनी बड़ी तादाद में आना अली सिनारा के हक में रेफरेंडम है। ये वो पीपल्स पार्टी है जिसने बानिये कायद के कातलों को साथ बिठा लिया है। अगर तुम्हारा ख्याल है कि अली सिनारा जैसे बहादुर कारकुनों को गिरफ्तार करके डरा सकोगे तो ये तुम्हारी गलती है। तीन दिन से तुम कह रहे हो मुर्तजा भुट्टो को गिरफ्तार कर लोगे। मुर्तजा भुट्टो ने डीआईजी शुएब सडल, एसएसपी वाजिद दुरानी और एसएसपी रमजान चन्ना का नाम लेकर कहा कि ये सियासतदान बने हुए हैं, ये अखबारों में बयान दे रहे हैं कि हम मुर्तजा भुट्टो को गिरफ्तार कर लेंगे। घर के इर्द गिर्द मोबाइल लगाई है। जो लोग मौत से नहीं डरते तुम उन्हें जेलों से डराते हो। मैं खड़ा हूँ, आओ गिरफ्तार करो, ये मेरा आईनी हक है, सियासी फर्ज है कि अगर मेरा कोई कारकुन गिरफ्तार हो जाए तो मैं उसके पीछे जाऊं। आईन में है कि एमएनए एमपीए अवामी शिकायत पर जा सकते हैं थानों में, हम सियासी तौर पर मुकाबला करेंगे। मुर्तजा भुट्टो ने कहा कि अगर अली सिनारा को कुछ हुआ, अगर उसका खून किया तो याद रखो अवाम उसका फैसला करेगी। मुर्तजा भुट्टो सुरजानी टाउन का ये जलसा खत्म करके घर जाने के लिए रात करीबन 8:30 बजे क्लिफ्टन की शाहरा ईरान नामी उसी सड़क पर पहुंचे जहां एक जानब जाने वाला रास्ता उनके घर की सिमत जाता है। उसी सड़क पर पुलिस उनकी आमद की मुंतजर थी। इसके बाद क्या वाकयात रूनमा हुए ये आप जान पाएंगे इस पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में। इस पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट के मुसन्निफ हैं सहाफी जाफर रिजवी। आप उनका तहरीर करदा आर्टिकल bbcurdu.com पर भी पढ़ सकते हैं।